हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता यम्मी रेसिपीज़। दोस्तों, रूटीन में हम क्या सब्ज़ी बनाएं, ये प्रॉब्लम हर घर में रहता है। तो आज हम एक 10 मिनट में ही बनने वाली इजी सी रूटीन की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम लिए हैं, जिसे मैंने डाइस में कट किया है। आप चाहे तो थोड़ा और छोटा भी कट कर सकते हो। तो एक कढ़ाई में मैंने करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर रही हूँ। और राई अच्छे से चटकने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है। तो जीरा भी हो चुका है, तो अभी हम कैप्सिकम ऐड कर लेंगे और कैप्सिकम को अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में ही बन जाती है और ये सब्ज़ी अक्सर मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो अभी मैंने करीब 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड की है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम थोड़ा सा चला लेंगे, इसका कच्चापन चला जाना चाहिए। इसके बाद हम रूटीन के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, करीब 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ले रही हूँ और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करना है। मसाले भी एकदम रूटीन वाले ही है, कोई एक्स्ट्रा मसाला हम ऐड नहीं करेंगे। और इस सब्ज़ी की खास बात यह है कि हम इसे ज्वारी के आटे के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद करीब मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम ढककर करीब 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि कैप्सिकम भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पानी भी बॉयल हो जाए। तो अभी आप देखिए, 2 मिनट हो चुकी है, तो अच्छे से कैप्सिकम भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। नॉर्मली बच्चे ज्वारी की रोटी खाते नहीं हैं, तो हम इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर भी बच्चों को ज्वारी का आटा खिला सकते हैं। तो अभी हम इसमें करीब 4 टेबलस्पून ज्वारी का आटा डालेंगे। ऊपर में अच्छे से हम पानी के ऊपर ही फैला देंगे, इसे अभी हमें चलाना नहीं है। तो अभी हम इसे स्लो फ्लेम पे ही करीब 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसे ढक देंगे। तो अभी आप देखिए, 2-3 मिनट हो चुकी है, तो अभी मैंने इसे खोल दिया है। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी आप देखिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स भी नहीं आएंगे और ये बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अभी मैं करीब इसमें 1 टीस्पून वाइट तिल और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर से ये सब्ज़ी मीठी तो नहीं होगी, बट इसमें हम बाद में लेमन जूस ऐड करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे वापस से हम ढककर करीब 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि शुगर भी मेल्ट हो जाए और हमारा आटा भी अच्छे से कुक हो जाए। तो अभी 2 मिनट हो चुकी है और हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो आप देखिए कितनी बढ़िया सी दिखती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप इसे ज़रूर से बनाएं। तो अभी लास्ट में मैं इसे 1/2 लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया। तो अभी हमें इसे अच्छे से चला लेना है और ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने, सुबह की भाग दौड़ में ये सब्ज़ी आप फटाफट से बना सकते हो, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये बहुत ही हेल्दी है। और ये सब्ज़ी बच्चों को भी ज़रूर से पसंद आएगी, तो आप एक बार से ट्राई ज़रूर से करें। तो आप इसे फुलके या पराठे के साथ में सर्व कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो दोस्तों, ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। और ऐसी ही आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।